Well, I'm Sergey. Please. अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर स्थिति हो गई आज उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के दंगा को लेकर के। लगभग एक सप्ताह हो गया वहाँ कर्फ्यू लगा है अध्यक्ष महोदय। वहाँ के बच्चे, आम लोगों के लिए खाने के लिए, पानी के लिए और आने जाने का, शादी विवाह में आने जाने का पूरी रुकावट हो गई। और ये जो लोग वहाँ पर कुछ जख्मी भी हुए हैं उनका भी इलाज क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अस्पताल तक जाने की किसी को इजाज़त नहीं। और जो कुछ मामूली चोट है, कुछ गंभीर चोट है, वो घरों में हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से वहाँ का जिला प्रशासन सरकार जिम्मेदार है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आज 200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सरकारी, उसको रैली हो रही। और ये सत्ता पक्ष, हम जब थे सरकार में तो रोजाना हमारी सरकार गिराई जाती थी, और आज ये 200 करोड़ रुपया कहाँ से खर्च हो रहा है, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। और बरेली में आग लगी हुई है, बरेली में दंगा है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, और बरेली के शहर के लोग उस रैली में कैसे पहुँचे, कैसे निकाले गए। और वहाँ जो दूध पीने का इंतजाम नहीं, बच्चा पैदा हो रहे हैं उनके लिए भी जाने दिया गया है कहीं कहीं, ये स्थिति पैदा हुई है। किसी तरह डॉक्टर, किसी तरह एनिमल लेके घरों पे पहुँचे हैं, ये गंभीर स्थिति है। वहाँ दंगा है, और दंगा के रहते जो वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इस संबंध में हम चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार हस्तक्षेप, भारत सरकार हस्तक्षेप करे या बयान दे यहाँ पर। ये अर्थकों का मामला है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब भी जहाँ पर दंगा हुए मुसलमानों का ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, संपत्ति का भी और जानों का भी और घायलों का भी। यह स्थिति गंभीर है मरीज की, इसे हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार उत्तर दे। और सरकार ने अभी तक दंगा के मामले में क्या रिपोर्ट आई है, और सरकार ने क्या खाने पीने का इंतजाम किया है, ये हम जानना चाहते थे। बहुत गंभीर मामला है, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद श्री एल के आडवाणी।